बहुत जल्द मेरी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू होने वाली है। अर्जुन के साथ शादी करके मुझे अपना एक परिवार मिल जाएगा, मुझसे प्यार करने वाले मेरे अपने लोग। काश कि मम्मी पापा जिंदा होते और मुझे अपने हाथों से विदा करते। बस जिंदगी में सिर्फ उन्हीं की कमी है, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने मुझे ना दिया हो। अर्जुन फोन उठाओ मेरा, कहाँ हो तुम? फोन उठाओ अर्जुन। I'm sorry Ananya, मैंने तुम्हें डरा तो नहीं दिया? नहीं नहीं सर, वो मैं अचानक मुड़ी और I'm fine सर। कोई बात नहीं, relax। पर भाई अब तुम ये डरना वरना छोड़ दो, हाँ? अरे दो दिन बाद तुम्हारी शादी होने वाली है, तो चेहरे पे सिर्फ मुस्कुराहट और खुशी होनी चाहिए। चलो हंसकर दिखाओ। That's good। देखो शादी की गुड न्यूज तो तुमने मुझे दे दी, अब बदले में मैं तुम्हें गुड न्यूज देता हूं। आओ, कम। तुम्हारे ट्रैक रिकॉर्ड देखकर हम सब काफी खुश हैं और बहुत अच्छी रिपोर्ट आ रही है तुम्हारे सेक्टर से। थैंक यू सो मच सर। इसलिए हम लोग ने डिसाइड किया है कि तुम्हें प्रमोशन दिया जाए। अब जब तुम हनीमून से वापस लौटोगी तो वो चेयर नहीं, ये चेयर तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। एक और प्रमोशन इतनी जल्दी? सर अभी 4 महीने पहले तो मेरा प्रमोशन हुआ था, और वैसे भी इस बार तो प्रिया की बारी थी ना। देखो अनन्या, काम और कामयाबी में किसी की बारी नहीं होती, सिर्फ लक और चांस होता है, और लक तुम्हारे साथ है। और रहा सवाल चांस का, तो हर मौके में तुमने अपने आप को प्रूव किया है, इसलिए इस बार भी प्रिया को नहीं तुम्हें प्रमोशन मिलेगा। वेल अनन्या, ऑल सेड एंड डन, मेरे हिसाब से तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि ऑफिस में काफी सारे लोग ऐसे हैं जो तुमसे बहुत चलते हैं। यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट। प्रिया से सावधान रहना, वो किसी भी हद तक जा सकती है। ठीक है सर, मैं ध्यान रखूंगी। थैंक यू सो मच सर। और बताओ शादी की तैयारी कैसे चल रही? तैयारी कैसी सब? कोर्ट मैरिज है ना, जाना है और साइन करना है बस। यू आर राइट। एक्सक्यूज मी, थैंक यू सो मच सर। हेलो अर्जुन, कहाँ हो तुम? कब से फोन ट्राई कर रही हूँ तुम्हारा, अभी के अभी आकर ऑफिस के पास वाले कॉफी शॉप में मिलो जल्दी। ओह प्रिया, आई एम सॉरी। हाँ वो मैं जल्दी में आ रही थी ना, इसलिए मैंने नहीं देखा, एक्सट्रीमली सॉरी। तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? रात भर सोई नहीं क्या?
सब कुछ ठीक तो है? ऐसी कोई बात नहीं है प्रिया, सब ठीक है। सब कुछ ठीक लग तो नहीं रहा, कुछ तो बात जरूर है। मेरी बात का यकीन करो अर्जुन, मैं सच कह रही हूं। कल रात मेरे कमरे में कुछ था, मैंने अपनी आंखों से देखा था अर्जुन, वो भयानक चेहरा। मैं नहीं जानती अर्जुन ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। अनन्या रिलैक्स, अब वो सिर्फ दो दिनों की बात है और दो दिन बाद हमारी शादी होने वाली है। जस्ट इमेजिन, उसके बाद मैं तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। अर्जुन बी सीरियस, मैं सच कह रही हूँ, कल रात मेरे कमरे में कुछ था। दो दिन तो क्या अर्जुन, मैं वहां एक पल भी नहीं रह सकती। अब वो प्रिया है ना, उसने अभी अभी मुझसे पूछा कि कल की रात कैसी थी। अर्जुन उसे कैसे पता कि कल रात मेरे साथ क्या हुआ था? प्रिया से। अनन्या तुम प्रिया को कब से सीरियस लेने लगी? हाँ मस्ट बी किडिंग, फॉरगेट अबाउट इट। और बाबू तुम ही बताओ, दो दिन के लिए हम नया घर कहाँ से ढूंढेंगे? और दो दिन बाद तो तुम्हें मेरे यहाँ पर आना ही है। और तुम्हें पता है आजकल मेरा कहीं मन नहीं लगता, हर वक्त बस दिमाग में एक ही बात चलती रहती है कि जब तुम घर आ जाओगी तो सब कुछ कितना अच्छा हो जाएगा। अनन्या, अनन्या, बाबू मैं तुमसे हमारी शादी के बारे में बात कर रहा हूँ और तुम्हारा ध्यान कहीं और ही है। I'm sorry अर्जुन, I'm really sorry, पर अर्जुन सच में कल रात की बात को लेकर ना मैं बहुत परेशान हूँ। प्लीज अर्जुन कोई और जगह ढूंढो ना, मैं सच में वहां नहीं रह सकती, मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी, प्लीज। ओके 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 रिलैक्स, तुम तो जानती हो तुम्हारी किस्मत हमेशा तुम्हारा साथ देती, तुमने आज तक सच्चे दिल से जो भी चाहा है वो तुम्हें मिला है, अब तुम्हें घर चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, रिलैक्स। वो सब मैं नहीं जानती अर्जुन, लेकिन अब उस घर में मैं वापस नहीं जाऊंगी, ठीक है ना? ओके डन डील, अब तो अपने होने वाले पति के साथ कॉफी पी लीजिए मैडम प्लीज। नीरा, हाँ बिजी? नहीं नहीं बोलना। वो मैं ये कह रहे थे कि अब दो दिन में तेरी शादी हो जाएगी और फिर तो अर्जुन के साथ शिफ्ट हो जाएगी, और मेरी रूममेट है ना वो अपने होम टाउन चली गई है, तब तक तू क्यों नहीं मेरे घर में शिफ्ट हो जाती? क्या तुझे कैसे पता नीरा कि मैं शिफ्ट करना चाहती हूँ? तू भी शिफ्ट करना चाहती थी? वाह ये तो कोइंसिडेंस ही हो सकता है। अब जो भी है तू आज रात को ना मेरे घर में शिफ्ट कर ले, और वैसे भी तुझे अपनी शादी की तैयारी में मेरी मदद तो लगेगी, है ना? हाँ नीरा वो तो है, और वैसे भी तू जानती है ना मैं तो ठीक से नेल पेंट भी नहीं लगा पाती हूँ। वैसे तू बिलीव नहीं करेगी नीरा कि कल मेरे घर पर क्या हुआ, उसके बाद तो मैं एक पल भी वहां नहीं रह सकती। क्यों क्या हुआ? कुछ बहुत डरावना सा था उस कमरे में, ऐसा लगा जैसे जैसे वहां पर कोई बुरी आत्मा आ गई हो। मैं जानती हूँ नीरा ऐसा कुछ भी नहीं है, पर ये सब मेरे दिमाग में है, और जो भी है ना मैं अब वहां नहीं रह सकती, मैं अब अकेले उस घर में नहीं रह सकती नीरा, मैं शिफ्ट करना चाहती थी, और बिल्कुल सही टाइम पर तुम आ गई। करेक्ट, अब हम दोनों बहुत मस्ती करेंगे। उफ़ो, मैं तो इम्पोर्टेंट चीज ही भूल गई, ये ले
ये क्या है? इन वाउचर्स पे ना तेरे सिग्नेचर्स चाहिए, बाकी ये ऑर्डर्स भिजवाने हैं ना, इसलिए। ओके। थैंक्स, रात को मिलते हैं। ओके बाय। अरे ये म्यूजिक कैसे बंद हो गया? अरे कोई है? ये लोग भी ना, कोई देखने वाला ही नहीं है इधर। इसकी स्पीड कैसे बढ़ रही है? अरे कम क्यों नहीं हो रहा? अरे अरे कोई है क्या? क्या हो गया इसको? इस ट्रेडमिल को क्या हो गया? पैरों की एक्सरसाइज तो आज होगी नहीं, शोल्डर ही कर लेता हूं। ये अपने आप कैसे हो रहा है? कौन है यहाँ पे? कौन है? कौन है? वेलकम अनन्या, नए घर में तुम्हारा स्वागत है। हाँ जी, लेकिन सिर्फ दो दिनों की मेहमान है यहाँ पे, क्योंकि दो दिनों के बाद मैं इसे यहाँ से ले जाऊँ। हाँ बाबा हाँ, शादी के बाद ये तुम्हारे साथ ही रहेगी अर्जुन, उसके बाद हम जैसे दोस्तों का घर कहाँ याद रहेगा इसे। आई मस्ट से तुम बहुत लकी हो अनन्या कि तुम्हें अर्जुन जैसा इतना लविंग पार्टनर मिला है। एंड थैंक यू सो मच नीरा, अब कम से कम शादी तक मैं आराम से रह तो पाऊंगी। हाँ नीरा, ये कल कुछ घबरा गई थी, अब इन मैडम का अच्छे से ख्याल रखना, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ओके, तुम भी ना, मैं एकदम ठीक। ओके नीरा, थैंक यू सो मच, टेक केयर। या बाय बाय। अपना ख्याल रखना। ओके बाय अर्जुन। बाय। अच्छा अनन्या, तुम ना फ्रेश हो जाओ, मैं अभी गर्मा गर्म और चॉकलेट लेकर आती हूँ। ओके बाय। हमारा प्लान कामयाब हो गया, तुमने जो चाहा, कल रात अनन्या के साथ वो सब कुछ हुआ और वो घबरा कर मेरे घर में शिफ्ट हो गई है। अब हम जितने पेपर्स चाहे उतने पेपर्स साइन करवा सकते हैं उससे, मैं नहीं रोक सकता। अच्छा अब मैं रखती हूँ। We'll be right back.
नीरा, बड़ी कमाल की खुशबू आ रही है सच। आएगी कैसे नहीं, मेरे हाथों की हॉट चॉकलेट काफी पॉपुलर है मैडम। ये नहीं, इसमें कम शुगर है, ये तुम्हारे लिए। ओके। यू अमेजिंग। ओके, इसे ना गरम गरम पी लेना तो तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी। थैंक यू सो मच नीरा। अरे यार, तुम्हें पता है ना, दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी। ओह गॉड नीरा, यू आर सो फिल्मी। ओके पी लो। थैंक यू सो मच नीरा। अरे यार, तुम्हें पता है ना, दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी। ओह गॉड नीरा, यू आर सो फिल्मी। ओके पी लो। एक इम्पोर्टेंट बात तो मैं भूल ही गई, वो क्या है ना, मुझे सोसाइटी में एक एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा तुम्हारे नाम से कि तुम मेरे साथ रह रही हो, जरूरी है। तुम प्लीज एक डॉक्यूमेंट साइन कर दो ना। अभी मेरा बाद में ना, सच मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। हाँ तुम सो जाओ, तुम ना इस डॉक्यूमेंट में साइन कर लेना। अनन्या फिर सो ही जाना, ये लो जल्दी जल्दी मेकअप। हाँ यहाँ यहाँ अनन्या। बस आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात होगी। बहुत नीचा दिखाया ना तुमने मुझे, अब देखना मैं क्या करती। अनन्या अपने कमरे में अकेली बैठकर डायरी में लिख रही है कि तभी अचानक लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं। अनन्या घबरा जाती है, तभी अचानक दरवाजा खुलता है, किसी के चलने की आवाज आती है। अनन्या अपने कमरे में खून के पैरों के निशान देखती है। डरी हुई अनन्या का सामना होता है एक डरावनी आत्मा से। अनन्या उससे बचने की कोशिश में भागती है, पर वो आत्मा उसे घेर लेती है और
क्या हो रहा है? ये सब कुछ तो वही है जो मैंने अनन्या के लिए लिखा था। मुझे जवाब चाहिए। जो कुछ मैंने उसके लिए लिखा था वो सब कुछ मेरे साथ क्यों हुआ? मुझे जवाब चाहिए। शांत हो जाओ। शांत हो जाऊं? मैं शांत हो जाऊं? तुम जानती भी हो कल मेरे साथ हुआ क्या? जान जाने वाली थी मेरी, मैं मर जाती। कुछ लोगों के पास अजीब शक्तियां होती है, कई तो उन शक्तियों से अनजान होते हैं जिंदगी भर। कुछ लोग जब जब जो जो चाहते हैं उन्हें वो सब कुछ मिल जाता है। कुछ ऐसी ही एक शक्ति अनन्या के पास भी है। जब भी वो किसी पेपर पर अपनी मांग लिखती है वो मांग पूरी हो जाती है। किसी और के लिखे हुए पेपर पर भी अगर वो साइन कर दे तो वो भी पूरी हो जाती है। पर कोई भी उस शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकता। दुरुपयोग? पर आपने तो कहा था कि उसके साइन के पेपर पर मैं कुछ भी लिखूंगी तो वो सब कुछ सच हो जाएगा। इनफैक्ट मैंने ट्राई भी किया, बॉस पर हमला करवाया, वो हुआ। अनन्या के घर पे मैंने डरावनी हरकतें भी करवाई और वो भी हुई, पर कल सब कुछ उल्टा कैसे पड़ गया? वो उल्टा इसलिए पड़ा क्योंकि तुमने अनन्या की जान को खतरा पहुंचाने की कोशिश की। पहली बार ना तो तुमने उसे या उसकी जान को खतरा पहुंचाया था, सिर्फ डराया था, वो हुआ। पर जब भी तुम उसे शारीरिक तौर पर चोट पहुंचाने की कोशिश करोगी वो कभी पूरी नहीं होगी। पर मैं बर्बाद कर देना चाहती हूँ, बदला लेना चाहती हूँ, नफरत है मुझे उससे। देखो मेरी बातों को अनदेखा मत करना, नहीं तो तुम्हें तुम्हारी चाल बहुत भारी पड़ सकती है।
समझ गई। मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे मैं अनन्या को चोट पहुंचाए बगैर उसको बर्बाद करके रख दूंगी। मैं अनन्या से उसकी सारी खुशियां छीन लूंगी। क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कल रात को तुम पर एक आत्मा ने हमला किया। हाँ, बस मैं किसी तरह से बच गई, पर हमला बिल्कुल उसी तरीके से हुआ जैसा मैंने अनन्या के लिए लिखा था। तुम्हें अनन्या का फिर से सिग्नेचर लेना होगा। नहीं हम, मैं ये नहीं कर सकती, ये कुछ ज्यादा हो रहा प्रिया। और जो कुछ कल मेरे साथ हुआ वो, उसके बाद तो मैं अनन्या से और भी ज्यादा नफरत करने लगी। मैं उसे एक पल भी खुशी नहीं देख सकती। तुम्हें ये काम करना ही होगा। प्रिया, प्रिया कल उसकी शादी है। तुम अभी उसके साथ ये सब करने का सोच रही हो? देखो, तुम इस वक्त यहाँ से चली जाओ। अनन्या कभी भी आती होगी, अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो पता नहीं वो क्या सोचेगी। तुम जाओ, मैं कुछ सोचती हूँ। मुझे उससे या उसकी शादी से कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हें मेरा काम करना ही होगा। मैं चलती हूँ। मीरा, ये प्रिया यहाँ क्या कर रही थी? वो ना यहाँ एक प्रोजेक्ट की डिटेल्स देने आई थी। ये प्रिया मुझे कुछ अजीब सी लगती है। देखा ना अभी किस तरह घूर रही थी मुझे। खैर छोड़, अभी मैं अपना मूड नहीं ऑफ करना चाहती। देख, मैं तुझे बताती हूँ कल के लिए क्या क्या शॉपिंग करके लाई हूँ। चल ना, मैं आती हूँ। चल। हाँ, मैं आती हूँ। अर्जुन देख, तेरे पास एक लास्ट मौका है। तुझे शादी करना है या नहीं ये सोच ले। बच्चा अगर एक बार शादी कर लिया ना तो समझ ले कि फंस गया। Shut up, अमित। अर्जुन को अनन्या से अच्छी लड़की फिर नहीं मिलेगी। कितना प्यार करती है अनन्या अर्जुन से। मैं तो कहती हूँ अर्जुन जल्दी से इससे शादी कर लो, इससे पहले कि ये अपना विचार बदल ले। चलो अब चलो। देख अर्जुन, एक बार फिर से सोच ले। Are you sure? Come on, अमित। हम दोनों 100% sure। It's okay। Let's sign now। मुझे उससे या उसकी शादी से कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हें मेरा काम करना ही होगा। कर दूं? अर्जुन करो ना। कॉन्ग्रेचुलेशन। अब से आप दोनों पति पत्नी हैं। थैंक यू सो मच। बस एक मिनट रुकिए, कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी हैं, मैं पेपर्स लेके आता हूँ। श्योर सर। कांग्रेट्स। आज तो पार्टी। पार्टी वार्टी बाद में, पहले मुंह तो मीठा कर लें। मिठाई तो कार में ही भूल आई मैं। चलो नीरा, हम मिठाई लेके आते हैं। तो फाइनली। उत्तरी की कार की चाबी तो मेरे पास है। क्या यार ये लड़की, अभी ना एक मिनट मैं आता हूँ। थैंक यू।
Congratulations. अर्जुन, क्या हुआ अर्जुन? पता नहीं, I don't know. ये सब क्या हो रहा है अर्जुन? तुम अर्जुन तो हमेशा कहता था कि मेरी किस्मत मेरे साथ है, मेरी अपनी मुट्ठी में, तो फिर मेरी किस्मत मेरे अर्जुन को मुझसे कैसे छीन सकती है? नहीं, ये मेरी किस्मत नहीं है, ये जरूर किसी ने किया है, किसी ऐसे इंसान ने जो मुझे खुश नहीं देख सकता। किसने किया होगा ऐसा? मेरे हिसाब से तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि ऑफिस में काफी सारे लोग ऐसे हैं जो तुमसे बहुत चलते हैं। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। प्रिया से सावधान रहना, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। प्रिया, या वो जो कोई भी हो जिसने मेरे अर्जुन को मुझसे छीना है, वो कभी खुश नहीं रह सकता। उसे भी बहुत दर्दनाक मौत मिलनी चाहिए, बहुत दर्दनाक। तुम्हें पता है प्रिया, ये मेरा फेवरेट क्लब है। यहाँ पर ना म्यूजिक एकदम मेरी ही चॉइस का बजता है, हिप एंड हैपनिंग। ए, कौन हो तुम? तुम्हें पता नहीं है ये लेडीज वॉशरूम है? चलो बाहर निकलो यहां से। आई सेड गेट आउट ऑफ हियर। समझ में नहीं आता मैं क्या कह रही हूं। चलो निकलो यहां से। बता दूंगी, नीना, ओए मैं
अनन्या वो अर्जुन की मौत हमारी वजह से हुई है। कोर्ट में खुशी खुशी तुमने जिस रजिस्टर पर साइन किया था उस पर एक नए रिश्ते की शुरुआत नहीं अर्जुन की मौत लिखी थी। हमने मारा है उसे। क्या तुमने तुमने मारा मेरे अर्जुन को? ये सब प्रिया का प्लान था। वो तुमसे बहुत जलती थी। उसका हर काम तुम्हारे काम के सामने छोटा लगने लगा। तब वो एक टैरो कार्ड रीडर के पास गई और उसने बताया कि तुम में कुछ शक्तियां हैं। शक्तियां? कैसी शक्तियां हैं मेरे पास? तुम हमेशा कहती थी ना तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ है। ये सच। तुम जो भी मांगती हो वो तुम्हें हमेशा मिलता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सच है। तुम इन शक्तियों से अनजान हो। तुम जो भी अपनी डायरी में लिखती हो वो सच हो जाता है। तुम्हारे साइन किए हुए पेपर पे कुछ भी लिखा जाए वो वैसे का वैसा ही होता है। पहले ना मुझे भी इस पर यकीन नहीं हुआ। फिर प्रिया ने प्रूव किया। उसने तुम्हारे साइन किए हुए पेपर पर कुछ लिखा और वो बिल्कुल वैसा ही हुआ। क्या? हाँ नन्हे, तुम्हारे घर में कभी कोई आत्मा नहीं थी। उस रात तुम्हारे घर में जो कुछ भी हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे साइन किए हुए पेपर्स में प्रिया ने वो सब लिखा था। उसके बाद तुम मेरे घर आए। याद है जब प्रिया ने मुझे बताया कि वो तुमसे बदला लेने के लिए अर्जुन को मारना चाहती है तो मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर अनन्या उसने मुझे धमकी दी तो मुझे उसका साथ देना पड़ा। I'm sorry अनन्या, I'm sorry। सॉरी? सॉरी बोलने से क्या होगा नीरा? क्या मेरा अर्जुन मुझे वापस मिल जाएगा? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कभी माफ नहीं करूंगी नीरा। I'm sorry, मुझे माफ कर दो। I'm so... नीरा? वो डायरी जिसमें मेरी सारी शक्तियां नहीं चाहिए। आज के बाद कभी कुछ नहीं लिखूंगी मैं। ये सिग्नेचर ही मेरी शक्ति है। कुछ नहीं मांगूंगी। Oh, my God.
हाँ।